प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कल्पित लिखा हुआ है, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करें लिखा हुआ है। और देखिए कल्पित को ही विचलन भी कहते हैं। कभी कभी आपके प्रश्न में क्या होगा, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखिए हम इससे पहले वाले जो वीडियो है उस वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए सिखा चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि का वीडियो, कई वीडियो मैं बना चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में हम लोग कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि में हम लोग जो वीडियो बना रहे थे, मतलब सवाल सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि आपको चार कॉलम बनाना होता है। ये देखिए ये दोनों कॉलम ये आपके प्रश्न में होगा, ये दो कॉलम आपके प्रश्न में पहले से होगा और ये तीन कॉलम और बनाना है। यदि आपको प्रत्यक्ष विधि से बनाना है तो दो कॉलम और बनाना पड़ेगा, यानी टोटल चार कॉलम। लेकिन यदि आपको कल्पित विधि से बनाना है तो आपको टोटल पांच कॉलम बनाना होगा। सबसे पहले ये जान गए कॉलम के बारे में, कल्पित विधि या विचलन विधि से आपको माध्य निकालना है तो पांच कॉलम बनाना है, दो कॉलम आपके प्रश्न के लिए और तीन आपको हल करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो बारंबारता है इसको F से सूचित किया जाता है। किससे? F से। FI भी होता है और F भी लिख सकते हैं आप। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो ये वर्ग चिन्ह का संकेत होता है X। किसी किसी बुक में XI भी होता है, आप X ही लिखिए, साधारण भाषा में समझिए। एकदम साधारण भाषा में हम आपको समझा देंगे कल्पित विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आपको लिखना है D बराबर, यह कल्पित का जो कल्पित माध्य का संकेत है, तो D बराबर होता है X माइनस A। क्या होता है? D बराबर, यानी इसमें आपको D निकालना इस कॉलम में, एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ए कहां से आएगा वो हम आगे सिखाएंगे। अब यहां पे हमको क्या लिखना है, ये जो एफ है बारंबारता और ये डी निकलेगा, ये दोनों को गुना करके यहां पे लिखना है, अर्थात यहां पे लिखेंगे एफ डी। क्लियर? एफ इंटू डी, ये क्लियर हो गया। वर्ग चिन्ह पहले वाले वीडियो में हमें बता चुका हूं वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो अब आप यहां पर देखिए वर्ग अंतराल में, ये वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर दो से भाग देना है, दोनों को जोड़कर दो से भाग देंगे। जीरो और बीस को जोड़ेंगे तो कितना होगा? बीस होगा। बीस में दो से भाग देंगे तो कितना होगा? दस। क्लियर? ये वर्ग चिन्ह समझ गए निकालने के लिए। फिर आप देखिए 20 और 40 को जोड़िए कितना होगा, 20 40 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, 60 में दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। समझ रहे हैं? फिर देखिए यहां पे क्या है, 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में दो से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं इसमें ट्रिक लगाना। देखिए 10 में कितना जोड़े तो 30 आया, 20। फिर 20 में 10 में 20 जोड़े 30 हुआ, फिर 30 में 20 जोड़े तो 50 हुआ, फिर 50 में 20 जोड़ते चलिए, ऐसे बढ़ते जाइए, बार बार जोड़ने और भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 50-20 हो गया आपको 70 और 70-20 हो गया 90। देखिए वर्ग चिन्ह आसान तरीका से हम निकाल चुके हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए डी वाले में, यहां सबसे पहले अब डी में प्रॉब्लम कहां है, कल्पित विधि से आप यदि बनाएंगे तो आपको डी निकालना ही होगा, बिना डी निकाले आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। अब आप समझिए कि एक्स तो आप समझ रहे हैं, ये वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं। अब ये ए कहां से आएगा, तो देखिए ए बराबर आपको क्या निकालना है, ये जो वर्ग चिन्ह आप देख रहे हैं, तो वर्ग चिन्ह में किसको हम ए मानेंगे, ये वर्ग चिन्ह का ही कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, पांच में से किसी एक को हमें ए मानना है। क्या मानना है? ए मानना है। तो ए किसको मानेंगे, बारंबारता में आप देख लीजिए सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, सबसे बड़ा बारंबारता आप देख लीजिए 32 है, दिख रहा है 32, सबसे बड़ा है 32, और इसी का जो वर्ग चिन्ह है 50, इसको हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। समझ गए बात? वैसे ए हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए, यानी हमारा हिसाब जल्दी सॉल्व हो जाए, तो हम इसको ए मानेंगे। क्लियर? ये समझ गए ए कहां से आ गया, तो 50, ए बराबर हो गया 50। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? फिर से मैं दोहरा कर बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, बारम ए यदि हमको इस
वर्ग चिन्ह में से हमें ए मानना है। किसको मानेंगे? जो बारंबारता सबसे अधिक होगा। देखिए बारंबारता सबसे अधिक कौन है? 32 है, और 32 के सीध वाला वर्ग चिन्ह 50, इसको हम ए मान लिए। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए एक्स माइनस ए है, तो एक्स यहां कितना है? 10। अब 10 में से 50 को घटाना है, तो 10 माइनस 50 कितना होगा बताइए आप? 10 माइनस 50 कितना होगा? तो इसको थोड़ा सा हम रफ में समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 माइनस 50 समझिए, यहां लिखे हैं 10 माइनस 50, तो 10 माइनस 50 ये प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है, और समान चिन्ह रहने पे घटता है, तो 50 में से 10 घटेगा तो माइनस 40 हो जाएगा। क्लियर समझ गए? माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस होगा, तो माइनस 40 आपको यहां पर लिखना है। यहां क्या लिखेंगे? माइनस 40, समझ गए? फिर आपको यहां पर देखिए x माइनस ए है, तो अब देखिए x का वैल्यू कितना है? 30। 30 माइनस, फिर यहां पे देखिए x माइनस ए है तो x का वैल्यू है 30 माइनस 50, कितना हो गया? तो यहां देखिए प्लस में है, माइनस में, और समान चिन्ह घटेगा, माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर, आप समझ गए? यहां पे माइनस 20 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए फिर क्या है? x का मान 50 है, 50 में से 50 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, अब प्लस 20 आएगा नहीं, अब 90 में से 50 घटेगा तो 40 हो जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे? अब देखिए यहां पे क्या है? f इंटू डी है, तो ये देखिए यह d है और यहां पर f है, दिख रहा है आपको? तो 17 और 40 को गुना करना है, 17 और माइनस 40 को गुना करेंगे, तो सबसे पहले चिन्ह का गुना करेंगे। यहां देखिए माइनस है और यहां प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 17 चौके 68, एक जीरो बैठा देंगे तो 680 हो गया। क्लियर। अब फिर देखिए यहाँ पे 28 दूनी 56, माइनस 56 हो गया, यानी 560। फिर अब यहाँ पे देखिए क्या है? 0 इंटू 32, तो 0 हो गया ये। फिर क्या है? 24 दूनी 48, 480 हो गया। फिर क्या है? 19 चौके 76, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यहां तक ये ऐसा हो गया। इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, फिर ये बारंबारता को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 8 दो 10, 7 17, 17 4 21, 21 9 30, 30 का 0 हो गया, हासिल 3, 3 1 4, 4 दो 6, 6 3 9, 9 दो 11, 1 12, 120। देखिए एफ का योग, जब हम एक से अधिक संख्या को जोड़ते हैं तो उसका संकेत सिग्मा होता है, ये सिग्मा है, ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको इसे जोड़ना है, तो इसको आप कैसे जोड़ेंगे देखिए, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस वाला है, ये दोनों संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और इस दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो जब आप जोड़ेंगे देखिए जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 6 5 11 1 12, तो माइनस 1240 हो गया ये वाला। अब ये तो जीरो है, जीरो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस अब आप देखिए इसको जोड़ेंगे तो जीरो जीरो हो गया, 8 6 14 14 का 4, हासिल 1 7 4 11 1 12, तो ये हो गया। अब ये देखिए इसका संकेत क्या लिखते हैं? लिखते हैं हम लोग सिग्मा एफ डी लिखेंगे, है ना। तो अभी देखिए ये 1240 माइनस में है, 1240 प्लस में है, तो दोनों बराबर है, लेकिन ये असमान चिन्ह रहने के कारण दोनों कट के जीरो हो गया, तो यानी सिग्मा एफ डी हो गया जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है। अब आप देखिए तो हमें निकालना क्या है? माध्य निकालना है, तो कल्पित माध्य निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे माध्य बराबर, जब कल्पित विधि से हम निकालेंगे तो माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। क्लियर हो गया। तो अब ए क्या है? याद कीजिए हम ए माने थे, ए बराबर 50 लिखे थे, यहाँ पर देखिए ए बताए थे, इसको ए माने थे ना, इसको ये 50 है, तो हम इसके जगह पर हम 50 लिख देंगे, एक जगह पर क्या लिख देंगे 50, फिर प्लस लिखेंगे यहां पे देखिए सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी देखिए जीरो निकला है, तो जीरो बटा में देखिए यहां पे 120 है सिग्मा एफ, तो यहां पर हम 120 लिख देंगे, तो यहां हो गया 50 प्लस जीरो में 120 से भाग देंगे तो जीरो होगा, ये जीरो हो गया और ये 50 आपका आंसर आ गया।
यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक दो बार आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और बनाइए, बनाने का कोशिश कीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताइए, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर और भी कई वीडियो हैं, अच्छे अच्छे वीडियो हैं, आप वहाँ से वीडियो देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।